हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। देखो इसमें आपको रेडियन मेजरमेंट गिवन है, तो आपको इसमें कन्वर्ट करके बताना है कि इसमें डिग्री मेजरमेंट में, ठीक है। तो डिग्री मेजरमेंट का फॉर्मूला जस्ट उल्टा होता है, बस डिग्री ऊपर आ जाता है। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट का फॉर्मूला ये होता है डिग्री मेजरमेंट का फॉर्मूला स्टूडेंट, 180 बाय पाई इनटू में रेडियन मेजरमेंट। अगर रेडियन मेजरमेंट में पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज अपने को इसको 22/7 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 11/16 को आपको चेंज करके दिखाना है डिग्री मेजरमेंट में। तो डिग्री मेजरमेंट इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू 11/16। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो पाई को भी न्यूमेरिकल में चेंज करते हैं। तो पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 22/7 डिवाइड वाला 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 11/16। ठीक है स्टूडेंट, 11 से इसको कट कर देंगे 2 पे, 2 से इसको कट कर देंगे 90 पे, 2 से इसको कट कर देंगे 45 पे, 2 से इसको कट कर देंगे 8 पे। तो ये बचेगा स्टूडेंट अपने पास अपॉन में, तो सिर्फ बचा 8, ऊपर आ जाएगा 7/5 = 35, 3 कैरी, 7/4 = 28 और 3/30 = 1। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे और डिग्री मेजरमेंट में चेंज करते रहेंगे। ओके, 315 में डिवाइड किया 8 का, तो 8 × 3 = 24 कितना आ गया, 7 और 5, 8×9 = 72। अब यहाँ पे आ गया अपने पास 39, तो आ गया डिग्री, ठीक है, ये डिग्री आ गया। ओके, डिग्री के बाद मिनट चलता है, मिनट के बाद सेकंड, डिग्री आ गया। अब बचा यहाँ पे 3, तो 3 में तो 8 का डिवाइड होता नहीं, डिग्री के बाद आता है मिनट, तो एक डिग्री में, ये डिग्री में है तो इसमें मिनट में चेंज कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 का डिवाइड करेंगे, यानी ये 180 आ गया। तो 180 से डिवाइड कर दो, में डिवाइड कर दो 8 का, तो ये आ जाएगा 8×2 = 16, ये बचा 20, और 8×2 = 16 कितना बचा, 4। अब ये 22 मिनट आ गया। ओके, 39 degree 22 minute। अब और डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसमें क्या करेंगे, वापस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड, बस अपने को सेकंड तक ही चलना है। ओके, और आगे नहीं हो तो फिर आगे नहीं जाएंगे, तो ये आ जाएगा 240, डिवाइड उसी से करना है जिससे कर रहे थे 8 से, तो ये पूरा डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो 30 सेकेंड, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये अच्छे से याद रखना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। डिवाइड करेंगे उस नंबर से पूरा जब तक नहीं जाता सेकेंड तक, तब तक आपको करते रहना है। जैसे मान लो 3 रिमाइंडर आ गया, तो ये डिग्री कंप्लीट हो गया, डिग्री के बाद मिनट में चेंज कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर मिनट भी पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, तो उसको बस सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, अब सेकंड भी नहीं जाएगा, तो बस सिर्फ यहाँ तक ही थर्ड डिजिट तक रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, माइनस का 4 दे रखा है, माइनस के 4 को आपको कन्वर्ट करके बताना है। ओके, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है माइनस का 4, तो वही फॉर्मूला डिग्री मेजरमेंट का क्या होता है, 180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजरमेंट यानी माइनस का 4। तो माइनस तो आगे आ जाएगा, 180 बाय पाई को कन्वर्ट कर देंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 4। तो देखो कट हो रहा है, ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, ये 2 पे, ये 11 पे, तो कितना आ जाएगा, 180 इंटू 7 टू जा 14 डिवाइड बाय 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 118 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइव टू, 252 आ जाएगा। ओके, तो ऊपर आ जाएगा 252, नीचे आ जाएगा 11, अब 252 में 11 का डिवाइड करेंगे, 11 टू जा 22, 3 बच गया, फिर वापस 11 टू जा 22, अब ये पूरा पूरा यहाँ तक डिग्री में 22 डिग्री आ गया। ओके, अब आगे डिवाइड जाता नहीं यानी 10 बच गया, तो 10 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 60 से, मिनट में चेंज करने के लिए। तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड उसी से करेंगे जिससे कर रहे थे, तो कितना आ जाएगा, ये 600, 11 से करेंगे, 11 फाइव या 55, कितना बचा 50, 11 फोर या 44, ये आ गया 6, तो ये आ गया बेटा 54 मिनट, ठीक है। आगे करेंगे तो क्या आएगा, वापस 60 से करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 36 एंड 0, वापस 11 से करेंगे 33, 3 कैरी, फिर 32, तो ये आ जाएगा 32 सेकंड। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अपनों ने यहाँ एक गलती कर ली, यहाँ 0 नहीं लगाया, यहाँ पे 2520 भी आएगा 180 वाला। ओके, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको वापस से करते हैं। देखो 2520, 11 से किया 222, फिर वापस किया 22, फिर किया 9 से। ओके, तो ये आ गया 99, 1 बच गया, तो ये ऊपर तो आ गया 229 डिग्री, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 में डिवाइड करेंगे 11 का, 5 पे जाएगा 55, तो फिर आ गया 5 मिनट, प्रोसीजर वही है सेम टू सेम, 5 बच गया, वापस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 300, 11 से किया 2280, फिर 7 से किया 27, ओके मिनट, तो ये इसका आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है, थर्ड पार्ट में अपने से पूछा है 5π/3 को कन्वर्ट करके बताओ डिग्री मेजरमेंट में, 5π/3,
तो डिग्री मेजरमेंट का आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, 180 बाय पाई, और रेडियन मेजरमेंट क्वेश्चन में दे रखा है पाई बाय 3, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 60 डिग्री पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 × 60 यानी 300। यानी पाई अगर दे रखा हो तब तो आपको पाई से पाई कट कर देना है, अगर नहीं दे रखा हो तो 22/7 में कन्वर्ट करना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास है 7π/6, तो ये भी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डिग्री मेजरमेंट आएगी अपने पास 180 बाय पाई × 7π/6, तो पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये कैंसिल 30 डिग्री पे, एंड 7 × 3 = 210, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन था, आपको डिग्री मेजरमेंट फाइंड करके बताना था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया।